शांति। 15/7/2022 की ईश्वरीय महावाक्य है आज के ज्ञान मुरली में। ज्ञान सागर ज्ञान दाता ने बेहद के वर्षा देने वाले महादानी महादाता बाप ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है, तुम राजाई और घर को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं, बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। बाबा ने उत्तर में कहा, बाप जानते हैं। बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए, विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। 5 विकारों को बाबा ने आज डाकुओं का रूप दिया है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार है और दोष और घृणा 7 हो गए। 7 निज गुणात्मा के और 7 अवगुणात्मा के जो अभी आसुरी दुनिया में है। तो बाबा ने आज 5 विकारों को डाकुओं को नाम दिया और डाकुओं ने सबको क्या किया है, लूट लिया है। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो, इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो, आत्मा निश्चय करो। तो बाबा कहते हैं, देह से न्यारे होने की अच्छा पुरुषार्थ और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। सदा यही समझो कि मैं आत्मा अलग और यह शरीर अलग, शरीर विनाशी है आत्मा विनाशी है। और बाबा कहते हैं, अकाल तख्त पर विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा जो इस देह से न्यारी और बाबा की प्यारी है। तो बाबा को अशरीरी बनकर आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है और देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचना है। गीत है ओम नमो शिवाय ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफी होते हैं, इसलिए बाप कहते हैं, और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता है, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। अब रिकॉर्ड क्या है, बाबा के गीत हैं। बाबा के इतने प्यारे प्यारे इतने अच्छे अच्छे बाबा के लाइन के गीत हैं कि एक गीत सुनो तो परम धाम का सुख परम धाम की स्मृति आए, एक सुनो तो 84 के चक्र में चले गए, एक सुनो तो बाबा के लाभ में लीन हो जाओ, एक सुनो तो कलयुगी के अंतिम इस जीवन में संगम युग की कहानी, एक सुनो तो मधुबन की महिमा, एक सुनो तो बाबा की महिमा। तो ना जाने कितने प्यारे प्यारे रिकॉर्ड बाबा के गीतों के बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, वह भी रखो, भल बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशे चढ़े, महिमा तो सारी एक बाप की है ना, परंतु इस समय कोई उनको जानते नहीं। बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानते तो फिर उन्हें याद कैसे करेंगे। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते हैं, फॉरेन के कोई आदमी आते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे तुम यह भी निश्चय करते हो कि हमको अब श्रीमत मिलती है, रूहानी पंडा मिला है, जिस्मानी पंडे हैं, जिस्मानी यात्रा कराने के लिए मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते हैं, परंतु फायदा तो कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए हैं, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है अथवा दो का हो, और कराने वाला है बाप। वह समझते हैं यह तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वह कहाँ ले आएंगे, कहाँ ले जाएंगे?
जरूर अपने घर ही ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ है सुख धाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को ही याद करना है, यही मन मना भव है। बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाबा ने कौन से दो तीर्थ स्थान बताए हैं जहाँ सच्चा तीर्थ है, वह है सुख धाम और शांति धाम। और यही बाबा ने कहा है कि एक तरह से वास्तव में सच्चा तीर्थ है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमें सच्चे सच्चे तीर्थों को याद करना है। और यही बाबा ने क्या कहा, मन मना भव है, मन से मुझे एक को याद कर। तो जो शांति धाम का रहने वाला है उसे याद करना। शांति धाम याद करेंगे तो वहाँ का निवासी परमात्मा याद आएगा, हमारा घर याद आएगा, तो बाबा की याद आएगी। अच्छा, बच्चे जानते हैं हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने घर को और राजाई को याद करो, सुख धाम और शांति धाम। स्वर्ग का रचयिता एक बाप ही है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो, और इसलिए पूछा जाता है हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे कि गॉड फादर को तुम पहचानते हो तो झट कह देंगे वह सर्वव्यापी है। तो यह समझाने की युक्ति रची जाती है कि बच्चों को सहज हो। तकलीफ तो देखो बहुत देखी है ना, आधा कल्प माना 63 जन्म तुम आसुरी मत पर चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता है अच्छी प्रलब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। अब जो चढ़ाने वाला है चढ़ती कला का तो एक युग है, जिसे हम संगम युग कहते हैं। अब वो युग ना आए तब तक तो चढ़ती कला नहीं हो सकती, उतरते ही आएंगे भक्ति में द्वापर से। जब तक संगम युग ना आए, जब तक परमात्मा अवतरण ना ले, तो बाबा आकर के फिर चढ़ती कला में हमें पुरुषार्थ सिखाते हैं, पुण्यात्मा बनने का रास्ता और हमें तरीका बताते। तो बाबा कहते हैं अभी हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है और ही गिरते आए हैं। कितना माथा मारते रहते हैं भक्ति मार्ग में, कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाप जानते हैं बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत तकलीफ उठाई है, 63 जन्म बहुत धक्के खाए हैं। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं इस दुनिया में कागविष्ठा समान सुख है, वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाप कहते हैं बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई हैं, एकदम जंगल में जाकर फंसे हो, जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है देह अभिमान। देह अभिमान में आने से मैंपन आता, मैंपन से मन मैला होता, और मैंपन वही है जो देह भान में रहता है, अहम अहंकार, माना मैं हूँ। लौकिक मान शान में रहेंगे तो देह अभिमान में आएंगे, है ना, मैं आत्मा हूँ तो देह से न्यारे और सबका साक्षी होकर ड्रामा देखेंगे तो उससे देही अभिमानी बन जाते हैं। देह से न्यारे होकर के आत्मा निश्चय होते हैं तब। तो बाबा वही चाहते हैं, अब उसकी प्रैक्टिस बाबा करने कह रहे हैं। बाबा कहते सबसे पहले क्या आता है, देह अभिमान, इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं, हाँ, यह है आधी मध्यांत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू, यह किसको पता नहीं है। तुम कहते हो यह बड़े से बड़े डाकू हैं, मनुष्य कहते हैं यह डाकापना जरूर चाहिए। बाप कहते हैं इन डाकुओं ने क्या तुम्हारी हालत कर दी है, एक दो को काम कटारी से मारते हैं, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया है। अब यह तो बेहद की बातें हैं, हाँ आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, कल मर गया, मर जाता है तो रोने लग पड़ता है। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है, वो गुरु
लोग तो अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य व्रत है ना, ये सब बताते हैं आदि करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता है? यहाँ कोई खर्चा नहीं, कौड़ी बिना खर्च के आपको 21 जन्म की रजाई मिलती। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई खर्चा नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। तो ये है सच्ची सगाई है, कन्या की सगाई होती है ना, उनको क्या पता किसमें किससे सगाई होगी, पता नहीं होता कन्या को। तो यह भी कहते हैं कि भगवान साजन आएगा जरूर, परंतु जानते नहीं है वह भगवान साजन कौन है। वह है हद के बाद, इस बेहद की सगाई में कितना मजा है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रेय मत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े, तुम जानते हो कल्प कल्प श्रेय मत मिलने से ही भारत श्रेष्ठ बनता है, भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वह समझेंगे बरोबर, पैराडाइज भारत की था, भारत ही था, भारत में ही गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो कि भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनलिटी नहीं थी, गॉड गॉडेस का राज्य समझते थे। कृष्ण को ही कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते हैं, श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको गॉड ने बनाया है, लेकिन समझता कोई नहीं। बाबा कहते हैं लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्वेश्चन, क्योंकि उनको भगवान समझते हैं इसीलिए लॉर्ड है ना कहते। तो गीता के भगवान ने सबको सदगति दी है, नाम कृष्ण का डाल दिया है, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते हैं कृष्ण सांवरा कृष्ण गोरा श्याम सुंदर, कैसे कैसे काले चित्र बनाते हैं, काली माता बनाई है कलकत्ते की। बाबा कहते हैं आस पास जहाँ 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 तहाँ काली के मंदिर है ना, बाबा कहते हैं श्याम सुंदर कहते हैं ना, तो कैसे कैसे काले चित्र बनाए, काली माता के भी काली माता बनाई कलकत्ते की, बनाई कि नहीं, तो आसपास जहाँ तहाँ काली के ही मंदिर होंगे। जगत अम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि खुल गई है या कौन बैठ कर समझाते हैं? सत्य गुरु, सत्य बाबा, सत्य शिक्षक, उनका नाम है सत्य, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमनी में उनकी बहुत महिमा है, वह आकर सच खंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो, सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है, वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत श्री अकाल का तख्त यह है, कौन सा? ब्रह्मा। तो बाबा कहते जो सत्य ज्ञान देता है वो ब्रह्मा के तन में अवतरण होकर देते हैं, विचारों को कुछ भी पता नहीं है लौकिक जीवन में संसार में है। बाबा कहते हैं यह विचारों को कुछ भी पता नहीं है कि सत्य श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है, आत्मा किस में बैठती है? शरीर रूपी तख्त पर। और कहाँ बैठती है? भ्रकुटी के बीच विराजमान होती है ना। ऐसे नहीं है कि इस जन्म में आत्मा ने शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्म में हार्ट में फिट हो जाएगी, किसी के पैर में किसी के हाथ में नहीं। अकाल तख्त उसका भ्रकुटी के बीच में ही है, जहाँ हम तिलक बिंदी आदि लगाते हैं, यहाँ है ना। तो बाबा कहते हैं उसका तख्त जहाँ है वही बैठते हैं और बाप भी आकर वही बैठते हैं, है ना, अकाल तख्त पर। तो ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ हमको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं, जिस बात को कोई नहीं जानते हैं, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है, तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो, अब तुमको सारी नॉलेज मिली है, जानते हो टीचर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज ही फुल होनी चाहिए,
नाटक में सभी एक्टर्स बुद्धि में रहते हैं ना। इस बेहद के नाटक के भी मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं। बाप भी तो सुपरस्टार है, सुपर एक्टर है कि नहीं, सुपर हीरो। हम सब हीरो आत्माएं पार्ट बजा रही हैं और बाबा सुपर हीरो। तो बाबा कहते हैं जो बेहद के नाटक भी मुख्य एक्टर्स हैं उनके, तो बाबा देखो कैसे आते हैं, नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं, है ना। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता है जो माँ को भी दुखी करता है। बाबा तो अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी है ना। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गामड़े का छोरा कहते हैं कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े ही गामड़े का छोरा कहेंगे, वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है, तो कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना है यह तुम जानते हो। बाबा खुद भी वंडर खाते हैं, हम क्या थे, ब्रह्मा बाबा खुद भी वंडर खाते हैं। अभी बाबा को मालूम पड़ा है श्रीमत द्वारा, तुमको भी मालूम पड़ा है कि कृष्ण कैसे ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, कैसे दिन और रात उनकी होती है ना। तो यह वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक और फिर कितना नीचे आ जाते हैं ना? जो विश्व का मालिक है वो देखो कैसे बन जाता है, गरीब है ना, बैगर बन जाता है प्रिंस से। तो बाबा कहते हैं देखो बड़ा मालिक कितना नीचे गिर जाते हैं, कितना नीचे आ जाते हैं। कामचिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आए हैं। अभी तुम समझते हो कि कृष्ण को गांवड़े का छोरा क्यों कहते हैं। खुद बाबा बतलाते हैं पहले क्या थे अब क्या बने हैं, वाहर मेरा भाग है, ऐसा कहते हैं ना। तत्व अब तुम समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा है, हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है, बाप कहते हैं मामी कम याद करते रहो और वर्षे को याद करते रहो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञानंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश। गायन भी कितना अच्छा है, अंधेरे के बाद फिर सोझरा होता है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तुम्हारे बुद्धि में अब सारा राज आ गया है। जानते हो अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, सब अभी गए अपने घर शांति धाम। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा इस रथ में बैठे हैं, ब्रह्मा के रथ में बैठे ना, वही ज्ञान का सागर है यह ब्रह्मा। फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान का सागर, हाँ, क्योंकि बच्चे के आगे मास्टर लगता है, तो मास्टर ज्ञान का सागर, वो ज्ञान सूर्य, तो ये ज्ञान चंद्रमा, तो ये बाबा हो गए मास्टर ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर पतित पावन स्तन में है, खुद भी कहते हैं कि मैं स्तन में आता हूँ, नहीं तो किसके तन में आऊं जो ब्राह्मण भी बनाऊं। हाँ, बाबा कहते हैं ब्राह्मण भी बनाऊं और नॉलेज भी दूं, क्या बैल में आऊंगा और क्या बैल को ब्राह्मण बनाऊंगा और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनाऊंगा। हाँ, तो आजकल बैल के मस्तक पर भी शिवलिंग बनाते हैं, तो ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण कहाँ से आए, हाँ, कितना गुहा राज बाबा ने समझाया, जरूर अडॉप्ट करना पड़े, हाँ, ब्राह्मणों को। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं है, वह है कुक वंशावली, और जो कोक से पैदा होते उनको ब्राह्मण नहीं कहते, जो आत्मा से पवित्र होते, सात जो पांच विकार हैं वो आत्मा को टच ना करें, है ना, लेकिन फिर भी उन्हें पुण्य आत्मा नहीं कह सकते क्योंकि वह कुक वंशावली। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी ब्राह्मणों की यहाँ बात नहीं है, वह है कुक वंशावली। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना तुम अच्छी रीति बता सकते हो। वह ब्राह्मण तो यह जानते ही नहीं कि वह
यह ज्ञान कहाँ से लाएं? बाप अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झुरमुई झुगमुई छोड़ दो, शरीर निर्वाह अर्थ तो धंधा आदि भी करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मित्र संबंधी आदि ढेर हैं, परंतु उन सबसे बुद्धि योग हटाए नए संबंध में कितना लव रहता है। सर्विसेबल बच्चों को छाती से लगा लें, बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक बना रहे हैं, तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, वाह बाबा वाह, तो खुद सुख नहीं लेते हैं, बाबा खुद सुख नहीं लेते हैं, कहते हैं तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं, ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है, बाबा तो शांति धाम निर्वाण धाम में वापस लौट जाएंगे ना, तो बैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, बाबा कहते हैं बैकुंठ के मालिक तुम बनते हो, तुम कौन? बाबा के बच्चे, मनुष्य आत्माएं ही पुण्य आत्मा बन देवकुल की आत्मा जाकर के फिर देवी देवता बनते, तो उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते हो तो सांवरे बनते हो, सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है, बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया है श्याम और सुंदर, 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं, लोग तो कृष्ण को जन्म मरण रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं, वंडर है, वंडरफुल है, मनुष्यों की बुद्धि कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को, अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की एंड है, तुम बोल सकते हो इन बॉम्ब शादी से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम यह कह रहे क्या कह रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे परंतु मरना तो जरूर है ही, बॉम्ब शादी कितने खौफनाक बनाए हैं, दुनिया की हालत देखो क्या है, बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया, कल्प पहले मोहफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे, बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगे, फिर अपने राजधानी में आकर डांस करेंगे, अच्छा मीठे मीठे सिकी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है, बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने के बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, दूसरा दुखियों को सुख धाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है, ऐसा सपूत सर्विसेबल बच्चा बनना बनना है तो बाप भी बलिहार जाए, ऐसे बनना है ना, आज का वरदान बाबा ने दिया, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव, दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं, ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है, क्या है बाबा का, कर्म और योग, कर्म करते हुए बाबा के साथ जोड़ना है खुद के मन को, मन से उसके साथ में जुड़े रहना है ना, तो फिर बाबा कहते हैं इस तरह से करेंगे तो बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है, कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है, कर्म योगी कर्म और योग के साथ रहेंगे तो बाप की मदद भी स्वतः मिलेगी, आज का स्लोगन है बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए
अंदर से अनासक्त बा मन बना भवरा हो। बाप से स्नेह का रिटर्न लेने के लिए देने के लिए, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त बा मन मना रहो। मुख से किसी से कुछ नहीं, लेकिन अंदर आत्मा से परमात्मा को अजप जा जाप, आज अजपे जा जाप माना, मुख से नहीं लेकिन आपके अंतर मन से वो बात आपको कहते रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी दोनों भाई बहनों के स्नेह का। गुड नाइट बाप दादा।